तो हे ज़ॉम्बीज, क्या हाल है आपके? आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की पहली सीरीज द वॉकिंग डेड को। तो चलिए शुरू करते हैं, और ऐसी अमेजिंग सीरीज मैं लाता रहूंगा जिसे आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यह है सीजन 2 एपिसोड 1, जहाँ पर रिक CDC के इंसिडेंट के बाद अपने पूरे ग्रुप की जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है और वॉकी टॉकी पे अपने दोस्त मॉर्गन को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह वो बच के तो आ चुका है, बट अभी भी उनकी जान खतरे में है और वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट ने उसको एक सीक्रेट भी बताया, बट उसका कोई मैटर नहीं है, जब तक वो जिंदा है वही बहुत बड़ी बात है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ मॉर्गन, वो अपने बच्चे का ख्याल रखे और वो भी आगे बढ़े। यहाँ पर उसे पता नहीं है कि मॉर्गन सुन रहा है कि नहीं, बट फिर भी वॉकी टॉकी पे उसे वो मैसेज भेजता जा रहा था। वहीं रास्ते में हम एंड्रिया को अपनी गन को सेट करते हुए देखते हैं जो उसके पप्पा ने गिफ्ट की थी। गाइस, अमेरिका में नॉर्मल कल्चर है बच्चों को गन गिफ्ट करते हैं, और बाद में यही बच्चे स्कूल में जाके गोलियां चलाते हैं। और उसे ये सेट करनी नहीं आ रही थी, तो शेन उसकी हेल्प करता है उस गन को सेट करने में। और तभी हमें हाईवे पर नजर आती हैं बहुत सारी कार्स जिसने पूरा रास्ता रोका हुआ था और शायद आगे ना बढ़ पाए, बट तभी डैरल आगे जाके रास्ता बनाने लगता है RV और बाकी कार्स के लिए, और देख पाता है कि ये प्लेस एक सेमेट्री की तरह है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मरा हुआ है गाड़ियों के अंदर, और शायद यहाँ पर पहले ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है। और तभी किस्मत इतनी फूटी थी कि आरवी का रेडिएटर खराब होता है और उन्हें वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। उसके लिए वो रिपेयर पार्ट्स ढूंढने लगते हैं, और बाकी फ्यूल और सप्लाईज को कलेक्ट कर रहे थे दूसरों की गाड़ी से, जिससे कि उनका लंबा सफर सेफली बीते। इस मोमेंट पे वो देखते हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी कि चलो हम यहाँ पर रुके हैं तो पूरा लूटपाट कर ली जाए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर लोरी को आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था, बट सर्वाइव करने के लिए ये सब तो करना जरूरी था। वहीं पर एंड्रिया वापस अपनी गन सेट करने के लिए अंदर चली जाती है, और यहाँ शेन को मिलता है बहुत सारा पानी, जिसको देख के हर कोई एक्साइटेड था कि चलो उनकी प्यास तो बुझेगी। बट नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम देखते हैं डेल और रिक को, जो ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी का हर्ड उनकी तरफ बढ़ने लग रहा है, और वो आवाज़ से अपने लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते हैं, इशारों में बताते हैं कि सामने ज़ॉम्बीज हैं और वो गाड़ी के नीचे छुप जाएं। और जैसे ही सब छुपने लगते हैं, यहाँ पर टी डॉग को कोई गाड़ी मिलती नहीं है और उसके हाथ पे बहुत बड़ा कट लग चुका था। यहाँ वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए आगे भागने लगता है और पूरे रास्ते में अपना ब्लड गिराते हुए जाता है, जिसे शायद स्मेल करके उसके पीछे आ सकते हैं। बट तभी हम डैरल को देखते हैं जो उसकी जान बचाने के लिए इन ज़ॉम्बीज़ को मारता है, और ये जानते हुए भी कि टी डॉग की वजह से उसका भाई गायब हुआ है, वो फिर भी उसकी जान बचा लेता है। यहाँ एंड्रिया जो अपनी गन सेट कर रही थी गाड़ी में बैठ के, उसे नहीं पता कि बाहर ज़ॉम्बी का हर्ड आ चुका है, और वो डर के मारे सीधा आरवी के वॉशरूम में छुपने लगती है। जैसे उसने शीशे के बाहर देखा, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आरवी के अंदर भी एंटर करता है और एंड्रिया पे अटैक। यहाँ पर एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए गन सेट कर रही थी, बट उसे ना हो पाई। तुमसे ना हो पाएगा। बट तभी डेल जो रूफ पे छुपा हुआ था, उसे एक स्क्रू ड्राइवर पास करता है विंडो से, जिसको यूज करके वो उस ज़ॉम्बी की चटनी बना देती है। बट उसको मारने के बाद वो खुद भी ब्रेकडाउन स्टेट में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने किसी को पहली बार मारा है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक था, स्पेशली तब जब वो अपनी बहन एमी को खो चुकी थी। वहीं गाइस, अगर हम बात करें बच्चों की, तो कोरल की बेटी सोफिया गाड़ी के नीचे डरी हुई छुपी हुई थी, बट उसे लगता है कि चलो अब ज़ॉम्बीज का हर्ड जा चुका है। और जैसे वो बाहर निकलती है, लास्ट में दो बैक बेंचर स्लो ज़ॉम्बीज आने लग रहे थे, जो उस पर अटैक करते हैं, और सोफिया जान बचाने के लिए सीधा जंगलों की तरफ भागती है। यहाँ पर ये दो ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हैं, तो पीछे पीछे रिक उसकी जान बचाने के लिए आ चुका था, जहाँ रिक उसे गोदी में उठा के भागने लगता है। बट सोफिया का आइडिया था गन लेके इन दोनों को मार दो ना, बट रिक का कहना था कि अगर ये किया तो बाकी हर ये आवाज़ सुन के उनके पीछे आ सकता है, जो खतरनाक होगा। सोफिया को एक जगह छुपा कर उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके एक एक करके मार डालता है। बट जब वो वापस सोफिया की प्लेस पे जाता है, उससे पहले वहां से जा चुकी थी शायद हाईवे की तरफ, बट अब रिक टेंस्ड है क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। बाकी लोग भी आकर उसकी हेल्प करने लगते हैं पूरी सिचुएशन समझकर, बट शेन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि रिक गलती पे गलती किए जा रहा है और ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ सोफिया के ना मिलने पे हर कोई टेंस था, स्पेशली उसकी मॉम, क्योंकि उसकी वो लास्ट होप थी जिंदगी जीने की, और अब उसे ढूंढने के लिए हर कोई जंगलों में उसे ट्रैक कर रहा था। वहीं शेन ग्रुप में वापस आके सबको काम डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे रिक ने सजेस्ट किया था, और क्लीन करता है उस पूरी आरवी और प्लेस को, जिससे वो वापस जाने के लिए रेडी हों। बट यहाँ पर कैरल अपनी बेटी के बगैर जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। यहाँ लोरी उसे समझाने की कोशिश करती है, और काल
एक गाड़ी से एक अमेजिंग सी टूल किट निकाल के लाता है शेन को इम्प्रेस करने के लिए, बट शेन उसे इग्नोर कर रहा था, जिसे देख के लोरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट ये शेन जान पूछ के कर रहा है क्योंकि अब लोरी ने उसका तिल तोड़ दिया है क्योंकि वो बन चुकी है। जहां अब शेन रेडियो ऑन करके पता लगाता है कि एक लोकल सिग्नल है 50 माइल्स दूर पे, शायद वहां पर उन्हें ह्यूमन हेल्प मिल सके, जिसके लिए हर कोई रेडी होने लगता है। अदर साइड पे हम रिक को देख पाते हैं जो डैरल के साथ मिलके एक जोम्बी को मारता है, उसका पेट फाड़ता है पता करने के लिए कि उसने सोफिया को खाया है कि नहीं, बट उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला था और अब शाम होती आ रही है। इसको देख के कैरल बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहती है कि उसकी बेटी को ढूंढा जाए, बट रिक का कहना था कि वो कल सुबह ढूंढेंगे और वो शायद अब तक जिंदा है क्योंकि जितने भी जोम्बी उन्हें मिले उनमें से किसी ने भी कैरल को खाया नहीं था, उनने खुद उनका पेट फाड़ के देखा था। ये सुनकर कैरल बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बट एंड्रिया उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है। और अब नेक्स्ट डे रिक अकेला नहीं था बल्कि सब लोग मिलके ढूंढने के लिए रेडी है। यहाँ पर डेल ई डॉग के साथ रुककर बाकी सामान को कलेक्ट करेगा और आरवी को रिपेयर करेगा जिससे कि वो जल्दी यहाँ से निकल सके। टीडो को चोट लगी है तो उसे रेस्ट की जरूरत थी। इस मोमेंट पे हर कोई मिलके जंगलों में जाता है उसे ढूंढने के लिए, जिसके लिए एंड्रिया अपनी गन मांगती है डेल से, बट वो देने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि हर किसी के पास गन होगी तो सेफ नहीं है। एंड्रिया को वैसे भी यूज करनी नहीं आती है, जिसे देख के एंड्रिया को गुस्सा आता है क्योंकि आज वो जिंदा है तो सिर्फ डेल की वजह से, जो उसको एक अच्छी बात नहीं लगती है। अगर वो मर जाती सीडीसी में तो ज्यादा बेटर रहता। यहाँ पर वो डेल को ब्लेम करती है और गुस्से में जाने लगती है क्योंकि शेन भी उसका साथ दे रहा था। यहाँ जंगलों में काल भी उन्हें ज्वाइन करता है क्योंकि वो सोफिया का दोस्त था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और शेन से बात करने लगता है नए हथियारों के बारे में, बट यहाँ पर शेन काल को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और काल को लगता है कि शायद उसने कोई गलत हरकत की होगी जिससे कि शेन उसे इग्नोर कर रहा है। बट लोरी समझाती है कि वो सिर्फ सोफिया की वजह से टेंस्ड है और प्लीज शेन से थोड़ा दूर रहे, जिसे देख के काल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट रियलिटी तो गाइस हमें पता है, शेन बनना चाहता था स्टेप डैड, जो मौका उसे दिया नहीं लोरी ने क्योंकि लोरी निकली। और तभी उन्हें नजर आती है एक बेल साउंड, जिसको सुन के हर कोई एक्साइट होता है कि शायद ये सोफिया बजा रही हो या फिर वो भी इस आवाज से अट्रैक्ट होके उस डायरेक्शन में गई हो। सब जल्दी जल्दी भाग के पहुंचते हैं एक चर्च के अंदर। यहाँ पर 3-4 ज़ॉम्बीज थे, उन्हें मारते हैं, बट यहाँ भी उन्हें सोफिया नहीं मिली थी और ये बेल ऑटो सेट थी तो अपने आप बज रही थी, जिसे देख के फ्रस्ट्रेट होके एंड्रिया तो वहीं बैठ जाती है और बाकी सब चर्च के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ अब लोरी और शेन का आर्ग्यूमेंट होता है कि क्यों वो उन सबको इग्नोर कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तभी शेन का कहना था कि वो जानपूछ के काल को इग्नोर कर रहा है जिससे कि उससे दूर जाना आसान हो सके, वो जल्दी इस ग्रुप को छोड़ के चुपचाप यहाँ से चला जाएगा और वो उसके लिए बेटर है। यहाँ पर लोरी ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि रिक उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसे थोड़ा अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ सकता है और ऊपर से वो क्या जवाब देगी। इसके लिए शेन साफ करता है कि ये वो उसका कंसर्न नहीं है, वो बताए या ना बताए उसे मतलब नहीं है, वो बहुत कुछ खो रहा है इस ग्रुप को छोड़ के, बट ये उसके लिए जरूरी है। वो काल की चिंता तो करता है बट अब उसके दूर जाने का टाइम आ चुका है। ये सब एंड्रिया ने सुन लिया था, जिसे देख शेन एकदम शॉक था। बट एंट्रिया बोलती है कि उसे कोई मतलब नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ से, बट वो रिक्वेस्ट करती है अगर वो इस ग्रुप को छोड़ के जा रहा है तो प्लीज उसको लेता जाए, वो किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहती है और स्पेशली डेल से तो थोड़ा दूर जाना चाहती है। यहाँ पर शेन उसकी बात इग्नोर करने लगता है, बट एंट्रिया इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली थी नहीं। बट तभी सब लोग वापस भी आ चुके थे, जिसको देख के शेन रिक्वेस्ट करता है कि डे लाइट में वो वापस अपनी आरवी तक पहुंच जाए, वरना रात में यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। बट रिक इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, उसे पता है कि कहीं ना कहीं ये उसकी गलती है और उसे इसको ठीक करना होगा, जिससे शेन बिल्कुल अपसेट हो चुका था क्योंकि वो लोरी और काल की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता है। तो शेन प्लान करता है कि सारे लोग वापस आरवी में चले जाएं, वो रिक यहाँ पर अकेले रुक के सोफिया को ढूंढेंगे। बट तभी काल भी वहां पर रुकने की जिद करता है, तो तीनों लेडीज मैन यहाँ पर रुक के सोफिया को ढूंढने वाले थे। इसी मोमेंट पे जैसे ही बाकी लोग जाने लगते हैं, यहाँ पर लोरी कैरल को समझाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड रिक को ब्लेम ना करे उसकी बेटी के खोने पे, वो ज़ॉम्बी से बच के जंगलों में भागी थी, उसी का हस्बैंड इतना ब्रेव था जो उसके पीछे गया उसकी जान बचाने के लिए, नहीं बचा पाए तो उसमें उसकी गलती नहीं है, बट उसने बेस्ट ट्राई किया है और अब भी कर रहा है, तो प्लीज उसको हेट या ब्लेम ना करे। जिसको देखकर कैरल और बाकी सब समझते हैं कि यहाँ लोरी अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट गाइज हमको तो पता है लोरी कितनी बड़ी। वहीं चर्च के पास रिक, शेन और काल रुक चुके थे
जो एक आवाज का पीछा करते हुए दूसरी डायरेक्शन में जंगलों में जाने लगते हैं और उन्हें नजर आता है एक डियर, जिसको देखकर काल बहुत ज्यादा एक्साइट हो चुका था। शेन उसे मारना चाहता है बट रिक के कहने पे रुकता है, जहां काल धीरे धीरे उसके पास जाता है क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं अखंड। और वो जैसे ही पास जाता है उसके यहाँ पर एक गोली चलती है जो डियर के पार होते हुए सीधा लगती है काल को, जिसको देख के रिक और शेन दोनों शॉक हैं कि उसके बेटे को किसी ने शॉट कर दिया है उस डियर के साथ में। देखते हैं वो कौन है अगले एपिसोड में, शायद ये एंड्रिया हो सकती है क्योंकि उसकी शानी बुद्धि में बात नहीं बैठती है और वो शायद किसी की गन चुरा के ला चुकी है, शायद हो ऐसा। बट देखते हैं काल को मारा किसने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।